दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथ ही इस वीडियो में बात करूंगा आपके सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के। बहुत सारे बच्चे दोस्तों लगातार पूछ रहे थे कि सर हमारा नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, हमारा फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई देखिए, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा करने वाला हूँ। आप लोगों ने दोस्तों जुलाई वाला रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, और दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों को दोस्तों जो मैं पहले भी दोस्तों आप लोगों को एक बार गाइड कर चुका था, मैंने बताया था कि भाई जब आपका ऑनलाइन पेपर होता था तो कई शिफ्टों में पेपर होते थे, कई दिनों तक आपके महीनों महीनों तक पेपर चल जाते थे। तो दोस्तों वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन आपके पास रहते थे, ये सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते थे। लेकिन आप लोगों ने इस बार चाहे आपने 6 to 8 का देखा होगा रिजल्ट, या आपने प्राइमरी PRT लेवल का देखा होगा जो आपका सीटेट होता है, दोनों में आप लोगों ने देखा कि पेपर का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त था। क्यों पेपर का? क्योंकि दोस्तों आपको पता है पूरे ऑल इंडिया में एक ही दिन में सबका पेपर होना था, और आप लोगों ने देखा ऑफलाइन पेपर था, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। और आपने देखा होगा दोस्तों सीटेट इतिहास की बात करें दोस्तों तो आपका जुलाई में बहुत ही मिनिमम बच्चे दोस्तों आपके पास हुए। आप लोगों ने देखा क्या आपका रिजल्ट रहा। सो कुछ स्टेट में दोस्तों 5 से, बिहार की बात करें दोस्तों वहां पर जहां की वैकेंसी आने वाली है वहां पर 4 से 5 हज़ार बच्चे ही आपके टोटल पास हुए। तो देखिए, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए आपका जो नोटिफिकेशन भाई उसके बारे में बात कर लूँ तो आपका नोटिफिकेशन नहीं, आपका फॉर्म बात करें तो आपका फॉर्म अप्लाई होना 5 से 10 नवंबर के बीच आपके फॉर्म सीटेट के आ जाएंगे, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम साथी ये मान के चलिए तो आपका जनवरी मंथ में किसी एक संडे को जनवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 1000, आप सभी साथी जानते हो। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 1200 रुपीज़ लगता है आपको। देखिए यहाँ पर तो आपको दिया है एग्ज़ाम डेट तो आपका दिसंबर में, लेकिन नहीं, आपका ये जनवरी में रहने वाला है। जनवरी में दोस्तों आपके एग्जाम होंगे किसी एक संडे को, ठीक है ना। अब दोस्तों आपके एडमिट कार्ड वगैरह आपको पता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये आपको टाइम बिंड यानी आपका 15 दिन पहले आपको बता दिया जाता है, बाकी आप डाउनलोड कर पाते हो 3 से 4 दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर के बारे में। ठीक है, रिजल्ट दोस्तों आपको ईमान के लिए फरवरी लास्ट मार्च में आपका जिस तरीके से आपका आता वैसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट और करूँगा भाई, देखिए इस चैनल पर इस बार दोस्तों आपका CDP हो गया, आपका EVS हो गया, दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस दोस्तों मैं चलाऊंगा। इवन दोस्तों बता दूं आपको 6 to 8 जो बच्चे दोस्तों लगातार आपके मैथ वगैरह में दोस्तों रह जाते हैं, और बाकी कोई दोस्तों यूट्यूब चैनल वाला कोई लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको पता है यहाँ बच्चे कम होते हैं, यहाँ पर तो आपका SST वाले अलग होते हैं, मैथ वाले अलग होते हैं, ये सारे कंडीशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। PRT में दोस्तों हर कोई लगा रहता है, तो आप में से मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका 6 to 8 में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं दोस्तों। इस बार आपको मैं पूरा प्रिपरेशन करवाऊंगा, आपको 6 to 8 का पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, सारे नोट्स वगैरह दोस्तों सब कुछ आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। बस दोस्तों आपको क्या करना, अभी से दोस्तों आपको अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी। अगर आप थोड़ा थोड़ा अभी मेहनत करते रहोगे और रेगुलर रूप से दोस्तों अगर आप टेस्ट लगाते रहोगे, 100% मैं कह सकता हूँ भाई, अगर आप अभी से टेस्ट में अपने 90+ ले आओगे तो मैं ही लिख के दे दूँगा आपका दोस्तों, तो आपके पेपर में भी आपका 90+ आएगा। अगर दोस्तों अभी आपका 90+ नहीं आएगा तो आप लिख के ले लो, पेपर में भी आपका 90+ नहीं हो पाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे दोस्तों। अब आपका पेपर दोस्तों अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट सीटेट का पेपर आपका अच्छे लेवल पर होता जा रहा है, ठीक है ना। आप मेरे इस बात को मत एग्री करिए, आप देखिएगा दोस्तों अगर आपने जुलाई में अपीयर हुए होंगे एग्जाम में, जो आपका पेपर का पैटर्न था उससे अच्छा पैटर्न आपको जनवरी वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जितना जल्दी आप पास कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि दोस्तों जो वैकेंसी आपके लिए आए उस पर आपको बेहतरीन मौका मिले। देखिए बिहार जो शिक्षक की वैकेंसी आ रही उसमें से अपियरिंग को 100% मौका मिलने वाला है, इसलिए आपसे कहूँगा इस पेपर को जरूर क्वालिफाई कर लेना अगर आपको बिहार में नौकरी लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को।